घर बनवाने के नाम पर हो रही है अवैध वसूली। प्रधानमंत्री आवास योजना में जई खा रहा है मोटी रकम। प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली और जई पर आवास बनाने के नाम पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया गया। सहारनपुर के लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लोगों ने डीएम से जांच कराने और पात्रों को लाभ ले जाने की मांग की। उधर जई ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। नगर पंचायत सहारनपुर के मोहल्ला रबापुरी के अनुसूचित जाति के लोगों ने डूडा परियोजना अधिकारी के निर्देशन में चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास चयन में दलाली का आरोप लगाया। एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यालय पहुंचे क्षेत्रवासियों ने फाउंडेशन के संस्थापक विकास कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र ओके आवास प्रस्ताव पास करने और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आवास बनाने के नाम पर सुविधा शुल्क की मांग करने का आरोप लगाया। समाचार गृह के लिए बिजनौर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। अंकुल कौन है? अंकुल कौन है? ये अंकुल कौन है? जो ये जीरो टैक्स करते हैं, हम पे पैसे नहीं है, हमने पैसे दिए नहीं और इन्होंने हमारे खाते में पैसे डलवाए नहीं है। कहाँ का मामला है ये? आप बताइए, आपको क्या मामला? पहले कुछ दिनों पहले कुछ लोग हमारे पास आए थे, वो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे पीड़ित थे। उनका कहना था कि जो यहाँ के जई अंकुर मित्तल है वो क्या नाम है, उनसे 600 रुपये तो फाइल के नाम पर ले रहा है, जो कि वो नहीं ले सकता, ना ही उसका फाइल से कोई मतलब है। वो केवल टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर रखा गया है, जो कि उनके उच्च अधिकारियों ने हमें बताया कि उसका फाइल से किसी भी तरह का लेना देना, वो एक रुपया किसी भी चीज़ का नहीं ले सकता है। उसको समझा दिया गया था, नगर पंचायत चेयरमैन साहब को बता दिया गया था, उसके बावजूद फिर 4 दिन पहले मेरे पास सभी लोग आए कि भैया हमारा कोई भी समाधान नहीं हो रहा, अंकुर अभी भी पैसे मांग रहा है, पटवारी हमसे पैसे ले रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पटवारी ने हमसे 10-10 हज़ार रुपये लिए, कुछ कह रहे हैं कि अंकुर हमसे पैसे की डिमांड करता है तब मकान आएगा, 10 हज़ार पहली किस्त पे दो, फिर 5 हज़ार दूसरी किस्त पे दो, कुछ से 20 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहा है। तो इस मामले में जो हमने कई लोगों से पता चला तो बहुत लगा कि अब ये मामला बहुत ज़्यादा है, ये क्या नाम स्थिति खराब हो चुकी है। तो इस संबंध में हमने डीएम साहब को अवगत करा दिया कि डीएम साहब यहाँ पर ये समस्या है, तो उन्होंने कहा था मैं तत्काल कार्रवाई करूँगा। उसके बाद जब पीओ साहब से हमने बात की तो पीओ साहब ने ये कहकर कह दिया कि आपके यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, माननीय सांसद जी ने हमें लिखकर दे दिया है, और अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से लिखित में दें। उन्होंने हमारे इसको व्यक्तिगत मामला बता दिया, जबकि हमने पीओ साहब को कई बार मेरे पास रिकॉर्ड है उस चीज़ का, मैंने उनको लिखित में भी और कई बार फ़ोन पर सूचना दी है कि साहब यहाँ पर ये समस्या हो रही, पर उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा। जबकि सुनने में ये आ रहा है कि जो अंकुर मित्तल है वो नरेंद्र कुमार मिश्रा जी जो पीओ है उनका खास व्यक्ति है और रूलिंग पार्टी से संबंधित अपने आपको बताता है, और वो कहता है कि मेरे ज़्यादातर इधर से उधर कर देंगे, मेरा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं पैसे नीचे से ऊपर तक देता हूँ। ये कहना जई साहब का है? ये जई अंकुर मित्तल जी का कहना है, जो कि हमें लोगों ने राकेश जी हैं और एक दो लोगों ने और बताया कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं रूलिंग पार्टी से हूँ, और उसके साथ एक दो और लोग रहते हैं जो फील्ड में कभी अकेला नहीं आता, 2-3 लोगों को साथ लेकर आता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये गरीब जनता से अवैध वसूली कर रहे हैं मकान? बिल्कुल अवैध वसूली चल रही है साहब यहाँ पर, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात, जितनी भी जांच आती है जांच केवल नगर पंचायत के माध्यम से होती है, कभी भी कोई निष्पक्ष जांच सहारनपुर के अंदर नहीं हुई है। आप जाकर देखिएगा, ऐसे मकान हैं जो आज तक जब से बने हैं तब से उनका न तो ताला खुला है, ऐसे मकान बना दिए गए हैं जो कि वोटर लिस्ट में कहीं और नाम है। सर, सहारनपुर में कुछ जई जो हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या आपके मामला संज्ञान में है ये? हाँ, मेरे संज्ञान आज ही आया हुआ है। अच्छा, आपने कोई एक्शन लिया इस पे? अभी तो आया ही है, अब मैं उसकी जांच करवाऊंगा, जो भी हमारे स्तर से हो सके कार्रवाई करवाऊंगा, और मेरा अगर कोई कर्मचारी इसमें लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। और जो जई काम कर रहे हैं वो डूडा से जुड़े हुए हैं, मैं उनको लिखूँगा अगर ऐसा मामला पाया जाता है। मकान जैसे बना दिए गए हैं जिनमें कोई रह नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से उसमें ताला लग रहा है, किसने करा है, कब का बना हुआ है, हमारे समझ बना है, हमारे संज्ञान में आ जा रहा है। अच्छा, जिन लोगों के मकान बने हुए नहीं हैं, छप्पर लगे हुए हैं उनके, और पात्र हैं उनको, उनका बनना चाहिए, और उनसे पैसे मांगते हैं, गलत मांग रहे हैं पैसा, किसी अलग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पैसा।